बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के साथ हुआ बड़ा हादसा, अचानक मिसफायर की वजह से पैर में ही लग गई गोली। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुजारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा के बारे में। गोविंदा के साथ एक गंभीर हादसा हुआ सुबह 4:45 पर, जब वो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तब अचानक से एक मिसफायर के कारण गोली उनके पैर में जाकर लग गई। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, जहां उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। गोविंदा अपने घर से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके जानकार ने बताया कि वो अलमारी में अपनी रिवॉल्वर रख रहे थे, तभी वो गलती से गिर गई और गोली चल गई, जो सीधे उनके घुटने के नीचे जाके लग गई। इस घटना के बाद घर पर मौजूद लोगों ने उनकी मदद की और अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने ध्यान से गोली निकाल दी और गोविंदा खतरे से बाहर है। गोविंदा को क्रिटिकल केयर अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और उनकी बेटी टीना आहूजा ने मीडिया को बताया कि पापा की हालत पहले से अब ठीक है और वो ICU में है। उन्होंने कहा कि पापा का ऑपरेशन चल रहा है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोली लगने के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों के अनुसार गोली लगने से शरीर में गंभीर चोटें आ सकती हैं, खासकर यदि गोली किसी महत्वपूर्ण अंग पर लग जाए। गोविंदा के मामले में गोली नॉन वाइटल अंग पर लगी, इसलिए उनकी जान को खतरा नहीं था, लेकिन यदि समय पर इलाज नहीं मिलता तो हालत गंभीर हो सकते थे। इसके बाद इस घटना की जानकारी मिलते ही गोविंदा के फैंस परेशान नजर आए। सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भेजी जा रही थी, जबकि गोविंदा ने बॉलीवुड में कई अच्छी फिल्में दी, जैसे कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हद कर दिया आपने, जिससे वो लाखों दिलों में बसे हुए हैं। उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक होकर अपने फैंस के बीच लौटेंगे और फिर से अपने अभिनय का जादू बिखेरेंगे। इस समय उनके स्वास्थ्य की खबरें सभी के लिए राहत का कारण बनी हुई हैं और सभी उनके स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।